उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया है, बल्कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा, बल्कि इसको कार्य रूप में परिणत करना भी आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं वह थोड़ा ही है। मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को राज्य का अधिकार तो दे ही दिया है, उनको यह अवसर भी दिया गया है कि वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं कोशिश करें और अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं वे आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1961 में इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कई साल गुजर गए हैं किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं, लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली। इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हज़ार रुपये है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी माली हालत बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 150 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम उस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, फिर भी हमारे यहां की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूं कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 48 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूं कि यह सोचने की बात है। यह सही है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह सही है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता,
पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या केवल समाजवाद के ढांचे वाला प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी और ना योजना पूर्वक बड़े बड़े कारखाने खोलने से हल होगी। यह आवश्यक है कि बड़े बड़े कारखाने खोलने से हल होगी, इस्पात के कारखाने खोलने से हल होगी। इस्पात के कारखाने खोले जाएं, इस्पात का उत्पाद बढ़े, लोहे का उत्पादन बढ़े, कोयले का उत्पादन बढ़े।